मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी पॉलीनोमियल सीख रहे हैं और उसमें आप बहुत कुछ जान चुके हैं। हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सारा चीज़ जान गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हिसाब अभ्यास का चीज़ है और इसी अभ्यास के क्रम में हमने आपके सामने चार हिसाब लाए और इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, आप क्या क्या जानते हैं कि अगर कोई गुणन बहुपद है तो उसके दो हल होंगे, अल्फा और बीटा। उसके हल मतलब दो शून्यक, क्योंकि गुणनखंड तभी होगा जब अल्फा बीटा का मान हम अगर बहुपद में रख दें तो शून्य हो जाए। अगर जो शून्य नहीं करे वो गुणनखंड नहीं, उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो शून्य का मतलब है कि उस अल्फा बीटा का जो मान है उसमें अगर हम पुट कर दें तो बराबर जीरो हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा खाली घुमावदार है, आप सब कुछ जानते हैं, इसमें थोड़ा आपका सूत्रों का प्रयोग है अलग अलग ढंग से। तो आप हम हल पहला क्वेश्चन का लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शून्यकों के वर्गों का योग। मान लीजिए जो x का वैल्यू है, जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, क्या है शून्यक, शून्यक दो शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। कहता है वर्गों का योग, वर्ग इसका वर्ग करेंगे अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर 40, ये। और इससे हमको k का मान निकालना है। प्रश्न ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 240 और इससे फाइंड करना है k इक्वल टू 40। अब आपको अब तक जो हम पढ़ा चुके थे कि ऐसा कोई सूत्र नहीं है, मेरे पास हमेशा है क्या क्या हम जान सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए पढ़े हुए हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए पढ़े हुए हैं। अगर हम इसको निकाल दें, पहले निकालना मेरा धर्म होगा, और किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा माइनस बी के जगह पर क्या है माइनस 8 है और ए के जगह पर क्या है 1 है बराबर माइनस माइनस प्लस 8। सी के जगह पर क्या है बाबू, के है और ए के जगह पर 1 है बराबर के। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, अल्फा इंटू बीटा बराबर के। अब ये सूत्र तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने हमारा ध्यान है इस पर कि ये सूत्र कहीं आ जाए तो इसका हम प्रयोग कर लें। तो हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हुए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये पढ़े हुए। अगर हमको तो यहीं तक लेना है ना, मेरा क्वेश्चन पार्ट तो यही है, बाकी सब मेरे काम का चीज नहीं है, बाकी हम इससे जानते हैं। तो इसको हम समीकरण में अगर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अब मेरा लगता है कि कुछ काम का हो गया है, अब सबका मान भर देंगे। अल्फा प्लस बीटा आया हुआ है 8 निकाले हैं 8 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा निकाले हुए हैं माइनस 2 के, अल्फा प्लस बीटा निकाले हुए हैं 40 निकाले हुए। अब हम क्या करना है, अगर हम इसको अठी अठी 64 और लिखना नहीं भूले, और 64 माइनस 2 के बराबर 40। अगर हम इसको इधर लेते चले जाते हैं और 64 माइनस 40 बराबर 2 के, इसलिए के बराबर 64 में 40 गया 24 बटा 2 बराबर 12, यही आंसर होगा। एक बार और ध्यान दे लो बापू,
पहला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट एक्स प्लस एट के शून्य वर्गों का योग 40 है तो के बराबर 8। हम जानते हैं बहुपद द्विघात बहुपद में दो मान होते हैं, एक अल्फा और बीटा। यहाँ एक्स के रूप में चर है, चर मेरा एक्स है, तो एक्स के दो चर शून्य, एक्स स्क्वायर के दो मान निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा माना। लेकिन ये कैसा है, ये शून्यकों के वर्गों का योग है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर 40। हम नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहा है वर्गों का योग, हमारे अनुसार कुछ नहीं है। प्रश्न कह रहे हैं कि अगर इसके हम वर्ग करके जोड़ दें तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि हम सबसे पहला काम करते हैं, चूंकि ऐसा में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई ऐसा सूत्र नहीं है, लेकिन हमें जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ए बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इससे हम निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू, लेकिन अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं कि अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इस सरल सूत्र लगा दिए। अब हमको यहाँ ये क्वेश्चन पार्ट दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ रहने दिए और इसको इधर ली इक्वेशन ले आए और इसमें मान सबका भर दिए, कौन कौन अल्फा प्लस बीटा 8 निकाले, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के निकाले और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर दिया ही हुआ है 40। अब इसको सीधे सर किया, 64 माइनस 2 के बराबर 40, 64 को इधर ही रहने दें, 40 इधर लेंगे और इसको इधर लेंगे तो 2 के बराबर 12। अब आपको हम समझते हैं कि आपको हिसाब समझने में कोई झंझट नहीं होना चाहिए, हमने अपने स्तर से सरल करने का कोशिश किया है, प्रयास आपका रहेगा तो आपको और सरल हो जाएंगे, क्योंकि आप में सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, हमसे कई गुना ज़्यादा, क्योंकि बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति रहती है और वो उनका दिमाग हमसे कई गुना ज़्यादा तेज चलता है। तो हमने पहला हिसाब को मिटा दिया, ये हिसाब को आपका। आप कहता है कि ये भी एक बहुपद है, px है, इसके भी ए स्क्वायर का है, इसके भी दो शून्यक है, मान लीजिए इसके भी दो शून्यक है, अल्फा बीटा दो शून्यक है, शून्यक अल्फा और बीटा। अब कहता है का शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, हमने बताया था कि व्युत्क्रम मतलब 2 = 1/2 ऐसा होता है, ये बटा मा जाता। अब इसके व्युत्क्रम है, अगर ये अल्फा है क्वेश्चन के अनुसार टी 1/β है व्युत्क्रम में, तो हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, सी बटा ए। सी यहाँ पर कहाँ पर है देखिए, तो सी पार्ट ये है, सी पार्ट ए है, 6a है और ए के जगह पर कितना है ए स्क्वायर प्लस 9, ये सिक्स स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बटा 9 बराबर क्या आता है ए। यानी आपने क्या निकाला, अल्फा 6a/a² + 9 बराबर ए। इसको हल कर दीजिए आपको मिल जाएंगे उत्तर। क्या करेंगे आप जानते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो 6a = a² + 9 और ए स्क्वायर इधर ले जाइएगा तो -6a + 9 = 0, ये इसको हटा दिए 0। अब ये कहीं कहीं कोई सूत्र में बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ सूत्र में बैठा हुआ है, ए का होल स्क्वायर -2 × 3 × a + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 बराबर ए -3 का होल स्क्वायर बराबर 0
इसके अगर हम करते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो वर्ग कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी a माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसलिए a बराबर थ्री। उत्तर आ गया है आपके, ये आपका आंसर हो गया, बहुत सरल। कहां से हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो कहता है उतना ही काम करते, इसमें अल्फा प्लस बीटा को निकालना नहीं है, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा, इसे मेरा अल्फा प्लस बीटा को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक निकाले अल्फा इंटू बीटा का मान और नतीजा इसको हम हल कर दिए और मेरा उत्तर प्राप्त हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस तेरह एक्स प्लस सिक्स, देखने में कितना बड़ा, पढ़ने में बाप रे, हिसाब देखने के बाद तो ऐसे ही डर जाता है, कितना बड़ा हिसाब को कहां से तोड़े, लेकिन कितने सरल हैं। सरल क्या है, एक दूसरे एक शून्य दूसरे शून्य के व्युत्क्रम है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा वन बटा बीटा है, बस इसको क्या किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है ए बटा बी बराबर सी बटा डी, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ये समीकरण का गुना होता है, अल्फा गुना बीटा इसमें हो गया, अल्फा गुना बीटा बराबर एक गुना ए बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर एक, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, सी बटा ए बराबर ए, उसके बाद तो आ ही गया। सी का मान कितना है यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर ये नहीं अगर निकालना भूल गए, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है ए स्क्वायर प्लस नाइन, बी के जगह पर तेरह, सी के जगह पर सिक्स है, ये अगर गड़बड़ा गए तब तो मुश्किल है हिसाब, बहुत परेशानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं आपके हिसाब समझ गए होंगे, ये सिक्स ए बराबर ए स्क्वायर प्लस नाइन, फैक्टराइज इसको सीधे समीकरण के एक तरफ ले गए तो मेरा एक सूत्र पर बैठा हुआ है आराम से हिसाब, और उस सूत्र का प्रयोग करके ए माइनस बी का किस पर बैठा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा दिए और हिसाब सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, दूसरा हिसाब को हमने आपको दिखाने का कोशिश किया, अब हम तीसरा हिसाब देते हैं, इसके भी ये बहुपद है, इसका भी x का दो शून्यक है, दो शून्यक अल्फा और बीटा है, कहता है यहां भी निकलेगा क्या, a बराबर a, b बराबर सिक्स और c बराबर माइनस सिक्स, c बराबर माइनस सिक्स, कहता है कि शून्यकों का गुणनफल चार है, शून्यक मतलब एक अल्फा है और एक बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर चार, ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, और इतना बराबर हम जानते हैं सी बटा ए बराबर चार। अब हम इस सी का मान यहां से डालेंगे, सी बराबर हमने क्या निकाला माइनस छ, ए बराबर ए बराबर चार, अब क्या होगा इसको, या तो हम यहां कर दें छ माइनस चार बटा ए, तब भी हो जाएगा, अगर आपको सीखने में शुरुआती में दिक्कत है तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहां कुछ नहीं तो माइनस छ गुना एक बराबर चार गुना ए, इसलिए ए बराबर माइनस छ बटा चार बराबर तीन दुनी छ दुनी चार बराबर माइनस थ्री बटा टू, माइनस थ्री बटा टू हिसाब आपके बन गए हैं, माइनस थ्री बटा क्या किया मैंने इस हिसाब में, शून्यकों का गुणनफल, देखने में इतना बड़ा हिसाब कहीं कोई झंझट नहीं है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर चार है और अल्फा गुना बीटा बराबर हम जानते हैं सी बटा ए, अब सी कहां से मिलेगा,
तो हम यहाँ निकाल चुके हैं ए बी सी का मान, इसको हमने सिर्फ उसको रख दिया और इसको -6/a, और हमको पूछ रहा है क्या a बराबर भाग, a बराबर -3/2 आंसर। हम समझते हैं, अब आप आराम से एक बार एक नजर और बोर्ड को देख लें, आपको हिसाब अपने हो जाएंगे। ये हिसाब तभी अपने होंगे जब आप प्रयास कीजिएगा, अन्यथा हिसाब फिर आप दोष मत दीजिएगा कि सर आप बताने में कोताही किए, कहीं कहीं नहीं बताए, आप हमें समझाने में अधूरा प्रयास किए। हमारा उद्देश्य है पूर्ण प्रयास करना कि आप समझ जाए, हमारा अधूरा प्रयास नहीं रहेगा, हमारा उद्देश्य है आप संपूर्ण जानकारी लें। अब कहाँ तक सफल होते हैं ये कहना मुश्किल है, ये तो आप पर निर्भर कर रहा है कि आप कितना हिसाब बना रहे हैं, अगर छोड़ दिए तो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर आइए, हिसाब बहुत बड़ा है देखने में, कितना है, बहुत लंबा है, ये लगता है 20x है, जरा सब देख लेते हैं, कहीं हिसाब हम गलत लिख देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। क्या है 2x² - 2ax है, ax है, यानी हम साफ लिख देते हैं 2x² + 2ax + 5 प्लस 5 और प्लस 10, देखिए गलत लिख दिए थे ना, प्लस 10 छोड़ चुके थे हम, प्लस 10 का एक गुणनफल का क्या है, एक फैक्टर, एक गुणनखंड x प्लस a है। चलिए हिसाब मिटाते हैं, कहता है कि एक px एक बहुपद है जिसका इस तरह का फॉर्मेट में है, और इसका एक फैक्टर निकला हुआ, एक गुणनखंड इसका निकला हुआ है x प्लस a, तो आप क्या निकालिए, आप a इज इक्वल टू भाग ये करना क्वेश्चन, यानी ये x का मान नहीं, ये का मान निकालिए। तो आप हम बहुत बार बोल चुके हैं कि ये है एक, इसका एक फैक्टर है, इसका इसको भी जीरो होना होगा, इसका फैक्टर को भी तो जीना हो जीरो होना होगा, तो हम क्या करते हैं इसको हम बराबर x हल, ये क्वेश्चन है और इसका हल, ये लगता है हम चार दिए थे क्वेश्चन नंबर 4 का हल आप देख रहे हैं, हल क्या है x प्लस a इज इक्वल टू, इसको भी जीरो होना होगा, ये इसका फैक्टर है ना, जीरो होना होगा, तो बराबर हम x बराबर माइनस ए तो लिख सकते, बराबर क्या होगा माइनस ए, x बराबर माइनस ए। अब इस मान को अगर हम इसमें डाल दें तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा बहुपद, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारा जो उद्देश्य पूरा होगा ए का मान निकल जाएगा, 2x के पर जगह पर -a² + 2ax की जगह पर a प्लस 5x की जगह पर -a, x की जगह पर माइनस है बाबू, ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस माइनस का बहुत बड़ा महत्व होता है, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे, हिसाब बनने में दिक्कत हो जाएगी और हम भी परेशान और आपका भी समय चला जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 2a² + -2ax² - -5a + 10 इसका टू क्या होगा, जीरो होना है, इसको बराबर जीरो, ए कट रहा है, ए कट रहा है, तो अगर हम इसको इधर ले जाते हैं -5a = -10, ये कट गया, इसलिए a = 10/5 = 2, यही उत्तर होगा, क्या होगा, अब हमने बहुत रूपों में आपका हिसाब लिया है,
और कई रूपों से हम आपको समझाने का कोशिश किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे हिसाब समझ में आ गए हैं, और इसका जो नेक्स्ट जो आपका जो आ रहा है वो बहुपद के भाग से आ रहा है, और अब उसमें चर इसमें घात तीन के चार के भी हिसाब देखने का मौका मिलेगा। अभी तक हमने दो घात का बात किया है, हम तीन घात का भी बात करेंगे, चार घात का भी बात करेंगे, अब हम घात बढ़ाएंगे। यहाँ अब तक आपको एक और दो का मान हम निकाल रहे हैं, दो घात तक हम आपको बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, अब हम दो घात का भी भाग दिखाएंगे और तीन घात का भी भाग दिखाएंगे कि उसके रिजल्ट क्या होते हैं, कैसे उसके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा प्लस प्लस गामा अल्फा जोड़ बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, सी बी माइनस बी बटा ए होगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होगा, और अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा ए होगा। ये सारे चीज अगले लेसन में, जो कि ये टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ऐसे पढ़ लेने पर हम नहीं समझते हैं कि अलजबरा का अब कोई भी चीज़ आपको कठिनाई में आया होगा, आप सरल हो गया होगा कि अगर भाग पड़ेगा किसी बहुपद का, बहुपद से भाग पड़ेगा, अगर शेष नहीं बचता है तो उसका हल है, अगर शेष बचता है तो उसका पूरा फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा, यानी भाग पूरा पूरा लग जाए शेष नहीं बचे तो पूरे गुणनखंड में है, खंडित हो गया है, और अगर शेष बचता है तो शेष उसमें तो पूछा जाएगा कि शेष क्या होगा, भागफल क्या होगा, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार बदलता रहेगा। चलते हैं, अब नए क्लास की तैयारी करते हैं, हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ रहे होंगे।